वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश और आज हम करने वाले हैं हॉर्नबिल बुक की पोयम द लबर्नम टॉप बाय टेड ह्यूग्स। सो लबर्नम एक तरह का ट्री होता है जिसकी लीव्स और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, इसीलिए बर्ड्स उस पर अपना नेस्ट बनाती हैं ताकि उनके बच्चे सेफ रहें। जैसे कि इस पोयम में पोएट डिस्क्राइब करते हैं अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन गोल्डफिंच बर्ड एंड दिस ट्री। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम जो कि पोएट ने लिखी है इन द टाइम ऑफ ऑटम यानी कि सितंबर सीजन में। लेट्स बिगिन द पोएम। द लबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं इस ट्री को जो कि बहुत साइलेंट है, जो कि बहुत स्टिल है, कोई आवाज़ नहीं है, there's no wind, it's not moving its branches or leaves, और एक येलो सनलाइट के अंदर ये स्टिल खड़ा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। और इसकी जो लीव्स हैं वो नीचे गिर चुकी हैं, जो इसके सीड्स हैं वो ज़मीन पे गिर चुके हैं। सीड्स यहाँ पे रेफर करते हैं जो छोटे छोटे फ्रूट्स इस पेड़ में लगते हैं उन्हें। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप। गोल्डफिंच एक तरह की बर्ड होती है जिसके स्मॉल विंग्स होते हैं दैट आर ऑफ येलो कलर एंड इट्स अ सिंगिंग बर्ड। अब क्योंकि लैबेंडम ट्री जो है दैट ऑल्सो हैज़ येलोइश लीव्स एंड इस बर्ड के भी फेदर्स येलो होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कैमोफ्लॉज करते हैं। यानी कि बर्ड जब इस पेड़ पे अपना नेस्ट बनाती है तो वो ऐसे लगता है छुपी हुई है, पता नहीं चलता। सो ये कहते हैं ये पेड़ तब तक साइलेंट था जब तक गोल्डफिंच यानी कि ये बर्ड वहाँ पे आती है और ट्विच करती है, यानी कि इट मेक्स अ मूवमेंट ऑफ अ स्मॉल बॉडी पार्ट। यानी कि ऑब्वियसली जैसे बर्ड्स आती हैं बैठती हैं एंड इट शेक्स एंड इसीलिए वहाँ पे छोटी सी मूवमेंट होती है, तो जो हल्की सी ब्रांच होती है ये बैठी है जिस पर वो हिल जाती है। अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। स्टार्टल एंड का मतलब होता है अमेजमेंट। अब जैसे ही ये उसके ऊपर बैठती है, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन बैठती है, ये पेड़ बहुत शांत होता है, तो ये कहते हैं ब्रांच के एंड पे थोड़ी हलचल नज़र आती है। देन ही सेज देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। अब यहाँ पे ये बात करें जिस तरह से ये आराम से बैठती है अपने नेस्ट पे या जिस तरह से ये बच्चों को खाना देने के लिए जाती है, दैट इज़ ही इज़ कंपेयरिंग टू अ लिजर्ड। बहुत ही स्लीक, स्लीक यानी कि स्मूथ, बहुत ही स्मूथली जाती है, बहुत ही अलर्ट होके जाती है। एंड देन व्हाट शी डज, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। अब शी एंटर्स अ थिकनेस यानी कि जिस ब्रांच पे बैठी है वहाँ की लीव्स बहुत ज़्यादा थिक होंगी, यानी कि बहुत सारी लीव्स होंगी एक ही जगह पे, दैट इज़ वाई। देन ही इज सेइंग दैट एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। अब यहाँ पे मशीन रेफर किया गया है इस बर्ड को, बिकॉज इट इज़ ब्रिंगिंग फूड For her children, she is the engine of her family. That is why she is referred here as machine. He says of chitterings and a tremor of wings and trillings. यानी कि अब जैसे ही ये अपने बच्चों को खाना देती है, अब बच्चे पूरे दिन से अपनी मादर को मिस कर रहे होते हैं, because वो सुबह ही चली जाती है उनके लिए खाना लाने के लिए, और जैसे ही वो आती है, आपने भी देखा होगा टीवी में भी बहुत बार दिखाते हैं, जैसे ही वो अपने बच्चों को खाना देने आती है वो आवाज़ निकालने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। तो सेम थिंग द पोएट इज डिस्क्राइबिंग हियर। चिटरिंग्स का मतलब होता है सिंगिंग साउंड ऑफ बर्ड्स, एक तरह से आप कह सकते हैं बिकॉज वो बच्चे भूखे थे सो दे आर मेकिंग साउंड, ऑल्सो दे आर हैप्पी दैट देयर मदर हैज रिटर्न सो दे आर सिंगिंग। सो दे आर टू मीनिंग्स टू दिस। देन शी सेज द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ पे बोला गया है कि जब तक वो बर्ड आती नहीं थी तब तक पेड़ जो था बहुत स्टिल था, इट इज़ रेफर्ड एज क्वाइट, इट इज़ रेफर्ड एज साइलेंट। जैसे ही ये बर्ड आती है बैठती है एंड उसके बच्चे दे स्टार्ट सिंगिंग एंड दे स्टार्ट मेकिंग साउंड्स एंड वॉइसेस, तब ये पेड़ जो है बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल होता है और जो उसकी स्टिलनेस है वो दूर हो जाती है। यानी कि पेड़ हिलता है तो जो उसकी शांति होती है, जो कामनेस होती है उसके अराउंड, वो थोड़ी सी इंटरप्ट हो जाती है। सेज इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली,
यानी कि ये बर्ड को डिस्क्राइब करते हैं एज द इंजन ऑफ अ फैमिली, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बिकॉज शी इज द वन हु इज ब्रिंगिंग द फूड फॉर द चिल्ड्रन, इसीलिए शी इज सेड एज द इंजन. जिस तरह से इंजन के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह से इन बच्चों की मदर के बिना ये बच्चे नहीं रह सकते. सो दैट इज वाई शी इज कंसिडर्ड एज द इंजन ऑफ अ फैमिली. She stokes it full, then flirts out to a branch and showing her bald face identity mask. आपने कभी भी देखा होगा कोई भी इंजन को जब फ्यूल ऐड करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं स्टोक. तो जैसे ही ये अपने बच्चों को खाना फीड करती है बहुत आराम से अपने पंख फैलाती है एंड देन शी फ्लाइज बैक. दिस इज वॉट ही इज ट्राइंग टू से. सो पहले उसके आने से पहले वो ट्री शांत था. Then, जब वो रिटर्न करती है वापस, द ट्री शेक्स, इट ट्रेम्बल्स, वहाँ पे आवाज़ होती है बच्चों के गाने की. एंड देन उसके बाद जब वो उनको फीड कर देती है, शी फ्लाइज बैक अगेन. देन ही सेज, देन विद एवरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स शी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट. यानी कि इस तरीके से, इतनी स्लीकनेस से, इतनी ब्रिस्कली, इतनी स्मूथली वो उनको खाना खिलाने के बाद वहाँ से अमंग ऑल द विसल एंड चर्पिंग्स, यानी कि जो बच्चे आवाज़ निकाल रहे थे, दे वर सिंगिंग एंड इवन द मदर शी माइट बी सिंगिंग, तो उसके बाद शी ओपन्स हर विंग्स एंड शी फ्लाइज टूवर्ड्स द इन्फिनिटी. इन्फिनिटी यहाँ पे रेफर करता है स्काई को, बिकॉज कहते हैं ना स्काई इज इन्फाइनाइट, इट हैज़ नो लिमिट्स. तो दैट इज़ वाई यहाँ पे इन्फिनिटी वर्ड यूज़ किया गया है स्काई के लिए. एंड द लैब्रनम सबसाइड्स टू एम्प्टी. अब जब ये सारा प्रोसेस हो चुका है, जब वो बर्ड फाइनली उड़ चुकी है, तो अब वो पेड़ वापस से शांत है, वापस से खाली है. अब आप देखेंगे यहाँ पे सेकेंड लास्ट लाइन में वर्ड यूज़ किया गया है शी लॉन्चेज अवे. अब यहाँ पे हम देखते हैं लॉन्चेज जैसी थ्री वर्ड्स और यूज़ किया गया है, जैसे कि मशीन, इंजन और लॉन्चेज. तो एक तरह से ये पोएट ने डिस्क्राइब किया है किसी मशीन की तरह से इस बर्ड को, कि जिस तरह से वो आती है एंड देन स्टोक्स क्या होता है, जब आप फ्यूल ऐड करते हो. सो ये फ्यूल ही प्रोवाइड करती है, फूड ही प्रोवाइड करती है अपने बच्चे को. सो ही इज़ ट्राइंग टू कंपेयर हियर, ही इज़ ट्राइंग टू ड्रॉ अ पैरेलल. इसीलिए उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है लॉन्चेज अवे. लॉन्चेज किसको लॉन्च करते हैं, दैट्स अदर किसी रॉकेट को, किसी मशीन को. सो दिस वे ही इज़ यूज्ड अ मैकेनिकल लैंग्वेज इन अ वे कि हम उसको रिलेट कर पाएँ और समझ पाएँ द वे शी इज़ मूविंग, द वे शी इज़ फीडिंग. सो एट दी एंड जब वो चली जाती है तो लैब्रंटॉप यानी कि ये ट्री वापस से शांत हो जाता है. सो इस पोएम में हमने देखा कि पोएट बात कर रहे हैं नॉट जस्ट अबाउट हाउ देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्री एंड द गोल्ड फिंच, बट इट ऑल्सो शोज द पावर ऑफ लव. यानी कि जो थीम ऑफ द पोएम है, दैट इज द पावर ऑफ लव. सो द थीम ऑफ द पोएम इज द पावर ऑफ लव एंड ऑल्सो हार्डशिप्स इन लाइफ. अ पावर ऑफ लव इसीलिए क्योंकि आप देखिए ये पेड़ इतना शांत था बिफोर द मदर गोल्डफिंच कम्स, कितना शांत था, कितना क्वाइट था. बट एज सून एज शी रिटर्न्स, बिकॉज हर यंगर वन स्टार्टेड मेकिंग नॉइजेज, स्टार्टेड चिरपिंग, तो ये पेड़ भी चहक उठा. Right, so that is why it is saying कि ये थी power of love that even shakes such a poisonous tree like the laburnum tree. Second है hardships in life. अब hardships in life यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी hardships की बात करें, ये जैसे कि if you talk about the tree, पूरे दिन वो silent रहता है, there's because it's a poisonous tree, because इसके fruits poisonous होते हैं, so there's nobody who comes around it. So it also becomes happy, it also becomes excited जब उस पर गोल्ड फिंच आके बैठती है. वहीं दूसरी तरफ बात करें तो हम गोल्ड फिंच की, तो जिस तरह से वो सुबह जल्दी उठती है, इट गोज एंड कैचेस प्रे एंड देन वापस आती है अपने बच्चों को फीड करने के लिए, एंड व्हेन शी इज़ डन विद दिस तो उसे वापस उड़ना होता है. तो ये भी एक तरह का हार्डशिप है उसकी लाइफ में, छोटी सी, कि शी हैज़ टू लीव हर चिल्ड्रन बिहाइंड एंड गो, एंड शी हैज़ टू गो इन अर्ली मॉर्निंग टू कैच द प्रे. And then if you see on the children's part, तो वो भी पूरा time अकेले रहते हैं, and that is the reason when their mother returns, they are so excited and they even sing. So ये describe किया है बहुत beautifully इस poem में Ted Hughes ने.
दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम. इसमें हमने कवर किए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, थीम्स और द समरी ऑफ द पोएम. Until the next video, keep practicing, keep learning. Thank you.